तो हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स आयन हैं इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है पहला है हमारे पास एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस दूसरा है सी ओ सी टू ओ फोर की होल थ्राइज थ्री माइनस तीसरा है सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस हम तीनों की बात कर रहे हैं तीनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एफ की प्लस थ्री है कोबाल्ट की प्लस थ्री है कोबाल्ट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है अगर हम तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें ठीक है तो ये वैल्यू आएगी आपको पता है कि जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर्गन एटीन फोर एस टू थ्री डी सिक्स होती है जब एफ ई को एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक डी से तो कंडीशन आएगी डी फाइव डी फाइव में हम देखेंगे जो हमारे पांच डी ऑर्बिटल हैं वो हमारे इस तरह से शो होंगे ये एक वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे कोई पेयरिंग होगी नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइव हो गए सिमिलरली कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सेवन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d7 और जब हम इसको कोबाल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से देखो एक दो इलेक्ट्रॉन डी से और एक यहां से तो इसको पे आएगी D6 कंडीशन आएगी और आपको पता है जो ऑक्सीट है ये एक स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड है एस एफ एल स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि जो हमारे लास्ट के दो ऑर्बिटल है इनके इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाते हैं इसका मतलब और जीरो पे पे तो है, है यहाँ पे सिमिलरली सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी कंडीशन सेम ही रहेगी कोबाल्ट एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर्गन एटीन फोर एस टू थ्री डी सेवन और कोबाल्ट थ्री प्लस की कंडीशन में कंडीशन आएगी डी सिक्स अगर डी सिक्स की बात कर रहे हैं तो डी सिक्स में एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पे क्या आएगा एक दो तीन चार पाँच और एक छः ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप नहीं होंगे रीजन कि एक वीक फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर है तो इसका मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइव है इसमें जीरो है इसमें फोर है तो जो स्ट्रोंगेस्ट पैरामैग्नेटिक होगा जिसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी वो होगा एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस उसके बाद क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड अगेन सी ओ एफ सिक्स की पावर थ्री और वीकेस्ट जो जिसकी होगी मैग्नेटिक मोमेंट मतलब लीस्ट जीरो है कंडीशन है क्लियर है तो देखो ये ऑप्शन किस में आ रहा है ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर टू में ये सिक्वेंस ऑप्शन नंबर टू में मिल रहा है हमें इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या होगा राइट right आंसर होगा इज दैट पॉइंट क्लियर सो नाव यूर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन